अब भाई को पहले मैं बोलूंगा कि आप वीजा दिखा दीजिए अपना, जो भी कुछ आपको हाइड करना है आप कर सकते हो, मतलब फोटो पे आप जहां पर भी आपको। इन भाई का भी वीजा लगा है, पर पहले तो भाई वीजा दिखा दो आप अपना, आप अपना वीजा दिखा दो, जो कुछ हाइड करना है वो कर। सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई वो थोड़ा बिजी चल रहा था यार घर में, दो तीन शादियां आ गई थी, और उसके बाद एक अपना दोस्त है वो बाहर से आया हुआ था, तो हम थोड़ा घूमने चले गए थे। तो मैं फिलहाल अभी हूँ पंजाब में, और आपको पता मैं राजस्थान में रहता हूँ, लेकिन आज मैं भाई के पास आया हूँ। ये भाई, ये अभी हम पटियाला के आसपास हैं। कौन सी जगह ये? पटियाला ही है। नहीं नहीं, ये पटियाला तो उधर रह गए, ये कौन? देवीगढ़। देवीगढ़। तो भाई पंजाब में एक जगह पटियाला, उसके पास भाई रहते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले कोई करीबन महीने के पहले एक वीडियो बनाया था, शायद अराउंड एक महीना हो गया होगा, जिसमें मैंने मेरे से गलती से एक भाई की फोटो लग गई थी। वो एक्चुअली में वीज़ा इनका था यार, लेकिन वहाँ बहुत मिसकलूजन होगी, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को, मतलब हालांकि ज़्यादा तो नहीं, मेरे को एक दो ग्रुप में डाल दिया था उसने, जिसमें ग्रुप में मेरी बात भी हुई वहाँ पर कुछ ग्रुप के मेंबर से, जिन्होंने बोला कि यार भी आपसे अगर गलती हुई है तो आप वो वीडियो हटा दो। तो मैंने वो खुद वीडियो हटाई थी, अगले दिन नहीं। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है कि यार अगर मेरे से कोई गलती हो गई थी, ठीक है, वहाँ पर ग्रुप में मैं भी हूँ जिस ग्रुप से वो फोटो ली गई थी। एक्चुअली मैं क्या है ना कि मैं उस ग्रुप से नॉलेज लेता हूँ, मतलब, और वो फोटो मेरे पास थी उस दिन। मैंने क्या हुआ, इस भाई साहब की फोटो लगानी थी और उस बंदे की फोटो लग गई, लेकिन बड़ा मतलब गलत तरीके से मेरे को प्रेजेंट किया गया। मैंने आपसे कितने पैसे लिए आप हकीकत बता दो वीजे अप्लाई करने के? कुछ नहीं दिया भाजी मैं तो अभी तक। बात कितने में हुई थी? बात वही अपना 2500 रुपए में। 2500 रुपए? मैंने 2500 बोला था। हाँ जी, हाँ जी। मैंने 2500 रुपए इनको बोला था अपनी फीस, और वो भी इनसे अभी तक मैंने ली नहीं ना। नहीं लिए। वो भी इनको मैंने बोला था कि जब आपका वीजा आ जाए तो दे देना, और मैंने 2 से 3 दिन इनकी फाइल पे काम किया था। ऐसे ये एक बंदा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों के वीजे अप्लाई किए हैं, और मैं सबको ये बोलता हूँ 2000 से 2500 रुपए मेरी फीस है। अगर ये फीस भी आपको ज्यादा लगती है तो भाई फिर तो मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। उस बंदे ने ये क्लेम किया था, वो भाई वीडियो भी देख रहा होगा मेरी, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो पर कमेंट किया कि ये गलत किसी और बंदों के वीडियो वीजा की फोटो लगा रहा है। सिर्फ एक मेरी वो मिस्टेक थी जिसको मैंने सुधार भी दिया था। अब भाई को पहले मैं बोलूंगा कि आप वीजा दिखा दीजिए अपना, जो भी कुछ आपको हाइड करना है आप कर सकते हो, मतलब फोटो पे आप जहां पर भी आपको नंबर पर हाइड करके आप दिखा सकते हो। शायद उल्टा है, कसीदा है, सीधा ही है, सीधा है। तो ये वो भाई का वीजा आया था यार, और एक वो और बंदा है जिसका वीजा आया था, दो बंदे थे उसके पास भी अब मैं जा रहा हूं। तो मैं काफी दिनों से इनको बोल रहा था कि मैंने आपके पास आना है, वीडियो बनाना है, क्योंकि अब देखो ये फोटो भी भेज देते हैं मुझे, फोटो मेरे पास इनके वीजे की ऑलरेडी थी। मैंने कहा कि यार फोटो से मैं वीडियो डालूंगा तो फिर वही क्वेश्चन आएंगे कि किसी और का वीजा यूज कर रहा है। ठीक है, मैंने वो गलती की थी एक, जो मैंने अपनी गलती सुधार भी ली है ना। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये आपका फोटो लगाना था जी, जी। किसी और का फोटो यूज कर लिया था। सही है। वो फोटो मेरे पास फोन की गैलरी में थी जी। मैं भी उस ग्रुप में मेरी कई मेंबर से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप हटा दो। मैंने काउंटर में एक वीडियो भी डाला कि मुझे गलत प्रेजेंट किया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने कितने 33 से 34 वीजे अप्लाई किए हैं टोटल, यूके के मिला के, शेनेगन के मिला के, और 2-3 न्यूजीलैंड के होंगे और 2-3 ऑस्ट्रेलिया के होंगे। मैंने अपनी 2000 से 2500 रुपये फीस रखी है। आपको बता दूं मैंने इनकी फाइल पर काम किया था, करीबन मेरे को 2 से 3 दिन लग गए थे। मैं कभी ऐसा नहीं क्लेम करता हूं कि मुझे भाई इतना पैसा चाहिए। मैं सब लोगों की हेल्प करने के लिए, मेरे से वो गलती हो गई थी, जो कि मैं, मुझे अब किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल पर मैं आज के बाद कोई ऐसा वीडियो डालूंगा भी नहीं कि भाई लाइक वीडियो से वीज़ा से रिलेटेड। तो मैं उसके लिए एक और चैनल बनाया है मैंने, उस पर मेरे वीडियो आएंगे आज के बाद। अब मैं प्रॉपर से काम करूंगा, मतलब काम क्या, हेल्प कर रहा हूं यार मैं। और अगर हेल्प के चलते अगर मैं किसी से 2000-2500 रुपए ले रहा हूं, सही बात। अब आपका वीजा आया, आपसे किसी एजेंट ने कितने पैसे मांगे थे?
कैसे तो पाजी 16-16 लाख मांगते हैं जो इंग्लैंड का 15-16 लाख, चलो वो तो छोड़ दो बात, वैसे भी 30,000-25,000 मांगा थे। हाँ जी हाँ जी, आप मेरे पास आए थे, सही बात, मैंने 2500 रुपया फीस बोली थी आपको। सही बात है जी। एक और बंदा है वो भी पंजाब का ही है, उसको भी आज मैं मिलने ही आया हूँ, तो मैंने स्पेशल मैं अपनी गाड़ी से कार लेके आया हूँ, ये सिर्फ कंक्लूजन दूर करने के लिए कि बहुत गलत फहमी हो रही है यार। मतलब ठीक है, मेरी एक गलती हुई है मेरे से, और उसको मैंने सुधारने के लिए वो डिलीट कर दी थी वीडियो, और वो बंदा मेरे से भी बात कर सकता था, भाई आपने गलती की है, आप ऐसे मेरे फोटो नहीं लगा सकते वीजे की। मुझे पता लगता कि यार ये मेरे से गलती हो गई वाकई में, मैं डिलीट कर देता, ठीक है, लेकिन मेरी इमेज खराब की गई। चलो ठीक है, मेरी गलती की वजह से इतना तो मुझे मिलनी चाहिए थी, है ना। और सबसे बड़ी बात है यार, मैंने वीडियो भी हटा दिया वो, कि चलो ठीक है यार भाई, मिस्टेक, कोई गलती हुई है तो गलती स्वीकार की है ना भाई। सही बात है, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था जैसा मुझे प्रेजेंट किया गया। मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के वीज़े अप्लाई किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी तक फीस भी नहीं दी, और मैंने उनको क्या बोला है कि आपका वीज़ा आ जाए तो मुझे 2000 से 2500 रुपया दे देना, नहीं तो मत देना भाई। अगर उसके बावजूद भी मेरे को अगर सफाई देनी पड़ रही है, तो मैं तो अपने आप को सफाई दे सकता हूँ, और किसी को क्या दे सकता हूँ। तो ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करते हैं, तो भाई आप कुछ कहना चाहोगे? बस कहना चाहूँगा पाजी बहुत अच्छे हैं, और आप जितने भी हैं सब हर कंट्री का वीजा, शनिगानी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाजी से फाइल बनाओ। और नहीं नहीं, अपने फाइल का किसी को ऐसे मत बोलो, हाँ जी, फिर वो कहेंगे, वही बात आ जाएगी। अपने तो ये बताओ कि मैंने आपको कभी कोई उल्टा मैंने हाँ उल्टा मैंने आपकी कोई आपकी मैं अभी बताना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं बताना अभी सॉरी मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अगर मैंने आपकी कोई हेल्प की है तो वो भी बता दीजिए आप। हाँ पाजी ने वैसे बात चल रही थी, मेरे पाजी ने मेरे को 1 लाख रुपया डाल दिया वैसे स्टेटमेंट बनाने, मतलब मैंने स्टेटमेंट बनाने के कोई भी आजकल एक ये सिर्फ मुझे यूट्यूब पे मिले थे तो पाजी को फिर मैंने वापस कर दिया। हाँ पाजी ने मेरे पास डाल दिए वो, इन्होंने मुझे 2 दिन बाद। और कौन करता है यार, मैं ऐसा कोई एज ए अपनी शाबाशी लेने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कुछ अभी हालांकि ज्यादा बंदे नहीं है, मेरे को 4-5 कमेंट ही आए थे, उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मैंने गलती की थी तो मैं अपनी गलती मान गया, है ना भाई, मैंने अपना बोल दिया कि मेरे से गलती हुई है। तो अभी दूसरा बंदा है उनके पास भी चलेंगे, तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो ठीक है भाई, आपका भी थैंक यू। ये आ नहीं सकते थे, मैंने इनको बोला था कि आप पासपोर्ट लेके आ जाओ, इनके घर पे भी शादी रखी हुई है और इनकी फ्लाइट भी है, ये शायद जा रहे हैं 5वें महीने में यूके। तो ठीक है भाई, अब आपको मैं एक और बंदे से भी मिलवाता हूँ। गड़ाम गांव है, तो इन भाई का भी वीजा लगा है, पहले तो भाई वीजा दिखा दो आप अपना, ये चलो शो नहीं करना चाहते वैसे, नहीं कोई दिक्कत, शनगन वीजा, ये QR कोड होता है ना बेसिकली, ये छिपाना होता है, चलो कोई नहीं, बस यही दिक्कत है बहुत है। तो भाई ये मैं अब देखो अपनी सफाई पेश करने के लिए, मतलब अपनी गाड़ी से खुद इधर उधर आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी। तो भाई को मैंने पूरी प्रॉब्लम बता दी थी कि ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी, तो भी मेरे को आपके पास आना पड़ गया, वैसे चलो अच्छा हुआ मिल लिया। तो भाई आप कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, फीस का जो जब मैंने भाई से यूट्यूब पे बात की तो भाई ने 2500 रुपये ही बोला था। पहले तो मुझे ये लगा कि शनगन वीज़ा 2500 में कहाँ से मिल जाता है, तो भाई के मैंने वीज़े वगैरह चेक किए तो वीज़े इनके पास यूके का और शनगन ऑलरेडी है, तो ट्रैवल थोड़ी बहुत किया होगा, मैंने भी ट्रैवल किया था, तो मेरा भी वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा आ गया था। उसके बाद मैंने 1-2 क्लाइंट जो मेरे हैं, मेरे दोस्त थे, तो मैंने गांव के दोस्त इनको दिए, तो उनमें से भी एक का लकीली आ गया, एक का रिफ्यूज हो गया, एक का रिफ्यूज होगा। तो भाई ये चलो लक भी होता है, थोड़ी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ना, तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं बताऊं, इन्होंने मुझे अपने 2 दोस्त दिए थे और एक खुद, तो मान के चलो कि आपने 3 पासपोर्ट दिए थे, इसमें से 2 का आ गया, 1 का रिफ्यूज हो गया था। अब फीस बता दो, 3 पासपोर्ट दिए, 3 पासपोर्ट मेरी तो ली नहीं भाई, जिसकी नहीं लगा उससे नहीं ली फीस, बाकी 2 की फीस लगी। जिस लड़के का वीजा नहीं आया मैंने उससे फीस भी नहीं ली अपनी, क्योंकि मैं उससे क्यों लूं फीस, और मैंने आपसे फीस ली पहले ये बता दो। नहीं, नहीं भाई कोई फीस नहीं, क्योंकि इनके साथ दोस्त, वीजा आने के बाद भी मैंने आपको ये बोला था कि भाई आप मेरे दोस्त हो, मैं अपने दोस्त की लूंगा, जो इनका जो दोस्त था, तो इनसे आप मान के चलो इन्होंने मेरे से 3 वीजा करवाए हैं और मैंने 2500 रुपये लिया है, इनकी माफ कर दी, इनके दोस्त का वीजा रिजेक्ट हो गया तो उनकी मैंने ली नहीं फीस। तो ये भाई कुछ कहानी थी यार, अब और भी मेरे बहुत सारे बंदे हैं, आप स्क्रीन पर कुछ वीजाज देख सकते हो। और मैं मानता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ ना पहले, एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे से, एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, किसी बंदे का पास मैंने ऐसे नहीं शेयर करना चाहिए किसी की इजाजत के बिना, लेकिन वो उस मैं जो बंदा आया था ना दलजीत, जिसका इससे
जिसके मैंने आपको बात की थी कि मैं आपसे पहले उससे उसका फोटो लगाना था, लेकिन उस लड़के का फोटो लग गया। ओके ओके, तो मैंने वो गलती मान ली थी अपनी। तो भाई और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस यही है भाई, देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता ना, ट्राई नहीं करोगे तो पता नहीं कैसे चलेगा, है ना। बंदे घर बैठे रहोगे तो पता नहीं चलेगा। देखो रिफ्यूजल आ भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, दो दो चार चार रिफ्यूजल है, भाई की भी दो तीन रिफ्यूजल है, उसके बाद भी इनका वीजा आया है, इसीलिए मेरी भी एक दो रिफ्यूजल थी, मेरा भी वीजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, ट्राई करते रहो भाई। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और एक लड़का और है जिसका यूके का वीजा, उसके पास मैं अब कल जाऊंगा, क्योंकि वो दिल्ली से है, कल मैं फिक्स नहीं बता सकता। तो ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाइयों यार जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों को वीजा चाहिए, किसी भी कंट्री से रिलेटेड वीजा चाहिए, तो एज ए सुजेशन भी मेरे से बात कर सकते हो, अपनी फाइल मैं आपकी अप्लाई भी कर सकता हूँ, फीस आपको मेरी पता लगेगी, 2500 रुपया मेरी फीस है। आप अपना वीजा दिखा दो, जो कुछ हाइड करना वो कर लेना। और दूसरा भाई ये बता दो, चलो बहुत है, दूसरा